उमरिया जिले के नौरोजाबाद संकुल अंतर्गत जोहिला भवन में शिक्षा विभाग के द्वारा मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित करने का कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि बांधवगढ़ विधायक शिवनारायण सिंह के द्वारा मां सरस्वती के तैल चित्र पर दीप प्रज्वलित कर की गई। विधायक बांधवगढ़ ने उपस्थित मेधावी छात्र और छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि आप लोग ही देश के भविष्य के निर्माता हो, आप में से ही निकलकर विभिन्न क्षेत्रों में अपना नाम रोशन करेंगे। प्रदेश में बैठी भारतीय जनता की पार्टी की सरकार के द्वारा आपकी पढ़ाई के स्तर को ऊपर उठाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और उन्होंने मेरे विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत गरीब तबके के छात्र छात्रा पढ़ने में होशियार हैं, उनके लिए मैं अपने विधायक निधि से 10,000 रुपये दूंगा ताकि उनकी पढ़ाई के बीच गरीबी बाधा ना बने। बांधवगढ़ विधायक के द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित मेधावी छात्र छात्राओं को पुष्प माला पहनाकर सम्मानित किया गया। मेधावी छात्र सम्मान योजना में आज यहाँ आपको सम्मानित किया गया, क्या कुछ कहेंगे? मैं मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का बहुत आभार जी से धन्यवाद करना चाहूँगी। ये हमारे लिए ना सिर्फ एक सम्मान का विषय था, ये हमारे आने वाले जो 12th में पढ़ रहे हैं उनके लिए एक प्रेरणा का स्रोत था ताकि वो और प्रोत्साहन हो और मेहनत कड़ी मेहनत करें और वो अपने भविष्य में कामयाब हो। धन्यवाद। मेधावी छात्र योजना के अंतर्गत आज आपको 25,000 रुपये मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लैपटॉप खरीदने के लिए दिए, क्या कुछ कहेंगे? मैं मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें 25,000 रुपये दिया है जिसका प्रयोग हम अपने पढ़ाई में करेंगे आगे और कुछ जीवन में कर सकेंगे अपने उज्ज्वल भविष्य में। उनके लिए मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ और हमें सर ने आज यहाँ बुलाकर सम्मानित किया, उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। मेधावी सम्मान समारोह आज यहाँ कार्यक्रम आयोजित किया गया जोहिला भवन में, क्या कुछ कहेंगे? मैं विद्यालय परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने हमारे जो संकुल क्षेत्र में जो विद्यालय है वहाँ भी हमारे जो मेधावी छात्र छात्राएं हैं जिन्होंने अच्छे अंक हासिल करके स्कूल का भी नाम बढ़ाया, परिवार का भी और समाज का भी नाम बढ़ाया। और आज के हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जो प्रदेश स्तर पर जो कार्यक्रम किए विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के तहत आज हमारे भैया बहनों को उनके लैपटॉप की राशि उनके खातों में सीधे अंतरण की गई है। और एक और अच्छी नई योजना आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि प्रत्येक विद्यालय में भैया को और बहन को जो टॉपर होंगे जो फर्स्ट डिवीजन पास होंगे उनको स्कूटी प्रदाय की जाएगी। ये बहुत बड़ी योजना आदरणीय कुमार शिवराज सिंह चौहान जी ने आज घोषणा की है, उनको मैं अपनी क्षेत्र की ओर से और भैया बहनों की ओर से उनको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपके मार्गदर्शन में हमारे भैया बहन रात दिन मेहनत करके उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नौरोजाबाद से अनिल मिश्रा की रिपोर्ट।